सम्राट संप्रति मौर्य वंश की स्थापना अखंड भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वक्त के महान आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शक में की थी। उनके ही वंश के थे राजा संप्रति। यह कर्म कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली, फिर उनके बेटे सम्राट अशोक ने राज्य संभाला। इसके बाद सम्राट अशोक का बेटा कुणाल अपनी नियति के कारण सम्राट बन नहीं पाए। अंत में कुणाल का बेटा और सम्राट अशोक का पुत्र थे संप्रति। एक दिन की बात है, जब सम्राट अशोक अपने पुत्र को पत्र लिखा जिसमें यह लिखा था कि अधियंतम कुमार, मतलब कुमार को पढ़ाई कराओ, और फिर राज मुद्रा लगाकर पत्र वही रख दिया। उसके बाद सम्राट की तिष्यरक्षिता नाम की रानी वहाँ आई और सम्राट के पत्र में एक बिंदु लगा दिया और पत्र जैसे था वैसे ही रख दिया। जब वह पत्र अवंती में रहे मंत्री द्वारा पढ़ा गया तब उसमें लिखा था अंधी अंधम कुमार, मतलब कुमार को अंधा कर दो। पत्र में ऐसे कठोर आदेश सुन सभा में मौन छा गया, पर कुणाल अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानी और वहाँ पड़ी लोहे के सरिया अपने आँखों में डाल दी जिससे वह अंधा हो गया और सभा शोक मगन हो गई। दूसरी ओर वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी में दुष्काल पड़ गया। वहाँ गली गली में घर घर में भिखारी भीख मांग रहे थे। उनमें से एक भिखारी ने देखा कि एक सेठ के घर में दो श्रमण मुनि गोचरी यानी भिक्षा के लिए आई है। भिखारी टुकुर टुकुर देख रहा था। घर के बाहर खड़ा भिखारी यह दृश्य देखकर चकित रह जाता है। भीख मांगना तो भूल गया और सोचता है संसार में कहां इन साधुओं का जीवन है और कहां मेरा जीवन है। कल इसी सेठ ने मुझे कितना मारा था और आज यही कंजूस सेठ मुनि को आग्रह करके भक्ति से इतना स्वादिष्ट भोजन दे रहा है। धन्य है इनका जीवन। दोनों मुनि आहार भिक्षा लेकर बाहर आते हैं और भिखारी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। ये दोनों श्रमण मुनि आर्य सुहस्ती के शिष्य थे। आर्य सुहस्ती महाविजेता आर्य स्थूलभद्र के शिष्य थे और वे इस काल के अंतिम शुद्ध केवली भी थे। वे दोनों मुनि और भिखारी गुरु सुहस्ती के पास आते हैं और वंदन करते हैं। इतने में भिखारी कहता है, हे देव पुरुष महात्मा, मुझ भूखे पर दया कीजिए, थोड़ा सा भोजन दिला दीजिए, भूख के मारे मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। आचार्य श्री भिखारी की तरफ देखते हैं। भिखारी की दीन दशा देखकर उनका मन द्रवित हो गया। आंखें मूंद कर कुछ सोचते हैं। अचानक उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। अहो, यह घटना तो किसी उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही है। इसकी आत्मा एक दिन जैन शासन की प्रभावना करेगी। आचार्य श्री ने नियम अनुसार कहा, भिक्षा में प्राप्त भोजन अन्य ग्रस्त को नहीं दे सकते, अतः पहले तुम दीक्षा लो और फिर जैन विधि अनुसार भोजन वापर सकते हो। भूख से वह भिखारी इतना आकुल व्याकुल हो गया था। इस कारण आचार्य जी से कहता है, मैं तैयार हूँ गुरुदेव, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं साधु बनकर आप जैसे कहेंगे करूँगा। उस भिखारी की दीक्षा हुई। आर्य सुहस्ती ने सकल श्री संघ के सामने नव दीक्षित मुनि को उपस्थित कर कहा, यह आज के दीक्षित मुनि है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, चल भीतर अब भरपेट भोजन कर लो। नव दीक्षित साधु ने तीन दिन से कुछ नहीं खाया, अतः दीक्षा के बाद प्राप्त भोजन को अपनी क्षमता से ज्यादा खाने से उनके पेट में दर्द होने लगा और विषुचिका नाम की बीमारी हो गई। मुनि को सांत्वना देने के लिए सेठ सेठानी आदि उनकी सेवा करते थे। कोई हाथों पर दवाई लगाता तो कोई पेट पर। यह सब देखकर नव दीक्षित साधु सोचते हैं, अहो, साधु बनते ही मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। ये सेठ साहूकार मेरी सेवा कर रहे हैं। कभी मैं इनके हाथों से मार खाया करता था और आज गुरुजी ने मुझे मुनि दीक्षा देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है।
अजय जी ने मुनि को कहा, मन को शांत रख, मुनि बनने का महान पुण्य फल तुझे अगले जन्म जन्म तक मिलेगा। नवदीक्षित मुनि कहते हैं, गुरुदेव मुनि जीवन पाकर मैं धन्य हो गया। ऐसे शुद्ध विचार के साथ नवदीक्षित मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया। मुनि के वेश में यही पुण्य आत्मा अवति में कुणाल और शरद जी के पुत्र के रूप में जन्मा। पिता की आज्ञा से अंधा बना कुणाल एक दिन संगीत कलाकार बनकर मगध देश जाता है। अशोक सम्राट के समीप पर्दा डालकर कुछ ऐसे संगीत गाता है, चंद्रगुप्त का मैं पर पौत्र, बिंदुसार का पौत्र, अशोक पुत्र अंधा अवश याचे कागिनी मात्र। संगीत के ऐसे पद सुनकर सम्राट अशोक को अपने बेटे कुणाल का पता चला और उसे गले लगा दिया। कुणाल ने भी महाराज को उनके पौत्र प्राप्ति की बधाई दी। सम्राट अशोक ने तुरंत ही बुलावा भेजा, हमें संप्रति सूचना मिली है, बालक का नाम कुमार संप्रति होगा और पाटलिपुत्र के भावी शासक के रूप में हम इसे अधिष्ठित करते हैं। कुमार संप्रति की पढ़ाई शिक्षा आदि का भार सम्राट अशोक ने लिया और एक दिन सभा में यह घोषणा की कि अब से राज्य का सारा भार मैं युवराज संप्रति को देता हूँ, अतः आज से आपका नया सम्राट संप्रति कुमार होगा। सभा में सभी लोगों ने सम्राट संप्रति की जय जयकार की। अनेक वर्षों तक संप्रति महाराज ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और फिर से भारत को एक अखंड भारत बनाया। एक दिन की बात है, जब सम्राट अपने महल से देख रहे थे कि चतुर्मास में जैन संघ गाजे बाजे के साथ एक विशाल रथ निकाला था। उन्होंने उसमें महान आचार्य आर्य सुहस्ती जी को देखा और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब उन्हें जाति समानन ज्ञान हुआ और अपना पूर्व भव याद आया कि कैसे वे भूख के मारे दर दर भटक रहे थे और इन्हीं गुरु भगवान ने उन्हें निश्रा दी थी। सम्राट संप्रति राजमहल से नीचे उतरे और नंगे पांव ही रथ यात्रा के पीछे पीछे दौड़े। सम्राट के पीछे सैनिक मंत्री आदि भी दौड़ पड़े। सम्राट ने गुरु के पास जाकर वंदन किया और कहा, गुरुदेव क्या आपने मुझे पहचाना? आर्य सुवस्ती जी ने कहा, हाँ आप सम्राट संप्रति है, महाराज अशोक के पौत्र और पितृभक्त कुणाल के पुत्र। तब सम्राट ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरी असली पहचान याद कीजिए, मैं आपके पास खाने के लिए कुछ भोजन मांगने आया था, मैं एक भिखारी था। तब आर्य सुवस्ती जी को सब कुछ याद आ जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग गुरुदेव और सम्राट को आश्चर्य से देखते हैं। अब सम्राट संप्रति को दिशा देने के लिए उनके गुरु उन्हें वापस मिल गए थे, अतः सम्राट संप्रति ने उनकी निश्रा में आर्य और अनार्य देशों में जैन धर्म का विस्तार किया और अनेक जैन मंदिरों का निर्माण किया। कहा जाता है कि सम्राट संप्रति ने पीतल तांबा चांदी सोना आदि पाषाण की 125 करोड़ जैन प्रतिमाएं स्थापित करवाई। नाडोल पालितना गिरनार रतलाम आदि स्थानों में आज भी संप्रति राजा द्वारा स्थापित जैन प्रतिमाएं मिलती है। उन्होंने 6600 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और 125,000 नए मंदिर बनवाए और अपूर्व और अद्भुत जैन धर्म की प्रभावना की। सम्राट संप्रति के बारे में हमने यह भी जाना था कि जब तक दिन में एक भगवान की प्रतिष्ठा का समाचार नहीं सुनते तब तक वे पानी भी नहीं पीते थे। दोस्तों, एक भिखारी सिर्फ भोजन के लिए दीक्षा लेता है और शुद्ध भाव से मुनि और मुनि के वस्त्र की अनुमोदन करता है तो कैसे वह एक महान सम्राट बन जाता है? जरा सोचिए, हमें भी जिन शासन मिला है और हम यदि शुद्ध भाव से आराधना पूजा भक्ति आदि करेंगे तो अपनी भी आत्मा दुर्गति से जाने से बच जाएगी। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।